नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति का निर्माण होने जा रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है ये ग्रह स्थिति? ये ग्रह स्थिति है मंगल ग्रह का 4 अक्टूबर से लेके 26 दिसंबर 2020 में मीन राशि में होने वाला भ्रमण। अभी मंगल जो है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 21 सितंबर को, तो अभी मंगल जो है मेष राशि में चल रहे हैं। 4 अक्टूबर को ये वक्री होके मीन राशि में आएंगे, 26 दिसंबर तक क्या रहेंगे, 15 नवंबर को ये वक्रत अपना समाप्त करके फॉरवर्ड मोशन में आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये मीन राशि में जा रहे हैं जो मोक्ष की या इंट्यूशन की राशि है, दूसरे शनि की दृष्टि में आने से आपकी जो वाइटल फैकल्टीज हैं, थिंकिंग और कई प्रकार के, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। पर शनि के ऊपर, शनि का मंगल पे दृष्टि डालना वैसे ही किसी भी रूप में अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता, खराब माना जाता है। हर प्रकार के तनाव ये देने में सक्षम होती है। मैं मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के बारे में, राशियों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हम लग्न पे फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो उपाय इत्यादि करने हों वो लग्न आधारित हुआ करते हैं। अब मैं वृषभ लग्न के बारे में बात कर रहा हूँ कि वृषभ लग्न के ऊपर ये जो वक्री मंगल है 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर क्या असर होने जा रहा है। परंतु आपका वृषभ लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र आता है। यदि बीच के खान में 2 नंबर लिखा हो या वृषभ या टॉरस लिखा, तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है परंतु नाम का अक्षर ये, तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? ई उ ए ओ वा वी वू वे वो, ये नाम के अक्षर हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले हम ले लेते हैं ये आपके स्वास्थ्य के ऊपर। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में विशेष करके जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। गायनोकोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं, न्यूरो मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है महिलाओं को। जनरली जो है महिला पुरुष जो प्रेगनेंसी का, जिनका कोई ऐसा नहीं है, तो उनको लीवर का, एसिडिटी का, यूरिक एसिड का और मानसिक तनाव का विशेष रूप से ध्यान करना होगा। इस समय में लीवर का, हेपेटाइटिस का और डेंगू, चिकनगुनिया जैसी समस्याओं का ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से मस्कुलर पेन हो सकते हैं, गुस्सा आपका बढ़ सकता है कन्फ्यूजन की वजह से। गुस्सा आपका जीवन साथी इत्यादि के ऊपर बढ़ सकता है क्योंकि मंगल जो है आपके जीवन साथी से जुड़ा है, खर्चों से, लॉस से जुड़ा है, कई कारणों से आपका क्रोध बढ़ सकता है। परंतु एसिडिटी इत्यादि का ध्यान रखना है, पैरों में बोझ, चोट इत्यादि का ध्यान रखना है आपको इस समय में। विशेष करके जो समय है आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर में, क्योंकि 14 दिसंबर को चंद्र ग्रहण है, भावनात्मक रूप से वो आपको एक दिन जो है समस्या का हो सकता है और मंगल उस समय वक्र चल ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम नौकरी या व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। इसमें 4 अक्टूबर से लेके और 26 दिसंबर तक बात हो रही है। इसमें विशेष करके 21 नवंबर से 26 दिसंबर में पैतृक संपत्ति का योग बना हुआ है। मंगल गुरु केतु की दशा में नौकरी अथवा व्यापार दोनों में तनाव रह सकता है यदि 7.5 आदि चल रही हो। परंतु किसी न किसी कारणवश गुरु और शनि की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा भाग्य उत्तम रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। मैनेजमेंट थोड़ा सा भी यदि आप बेहतर करेंगे तो सफलता नौकरी व्यापार दोनों में अच्छी रह सकती है। बृहस्पति भाग्य भाव में होने से पितृदोष जिससे मुक्ति मिलेगी थोड़ा, और शुभ मौके आ सकते हैं आपको यदि आपका कार्य क्षेत्र जो है नौकरी व्यापार जो है आपका वो संपत्ति, लोहा सीमेंट, कला साहित्य संगीत का, मीडिया का, म्यूजिक का, इस प्रकार का क्षेत्र, प्लास्टिक का हो, कंप्यूटर्स का हो और आईटी या टीवी सीरियल्स इत्यादि हो, आयात निर्यात हो, तो सब में ये समय शुभ रहेगा। बात करते हैं भाग्य, धर्म और शिक्षा की। इसमें धर्म में, अध्यात्म में मन थोड़ा ज़्यादा लगा रहेगा। लक्ष्मी, कृष्ण के, दुर्गा स्थलों की यात्रा होती रहेगी, परंतु यात्रा में थोड़ी दुर्घटना से सावधानी भी रखनी होगी।
21 नवंबर से 31 दिसंबर में कुल देवता पितृस्थलों की यात्रा के योग बनते हैं। उस शिक्षा व्यापार में आपके जो है या व्यापार में मार्केटिंग के क्षेत्र में होने से विदेश में व्यापार की वजह से या नौकरी की वजह से जाने के योग बनते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं अगला जो क्षेत्र है वो है विवाह रिश्ते। 4 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का समय नॉन मांगलिक जातकों के लिए शुभ समय रहेगा यदि आप मांगलिक से ही कुंडली मिलाते हैं। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर का समय छोटे बड़े भाई बहन माता पिता के साथ जो है ये थोड़ा सा समय ठीक रह सकता है ये समय 4 दिसंबर से 24 दिसंबर में, परंतु आपको क्रोध नहीं कर रहा है, मंगल 11वें भाव में आपका क्रोध बढ़ाए रखेगा, तो आपका जो है बड़े भाई या बहन के साथ में थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, उससे आपके रिश्ते ठीक रह सकते हैं। नॉन मांगलिक लोगों के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा अच्छा है और जो मांगलिक जातक हैं उनके लिए थोड़े तनाव हो सकते हैं 4 नवंबर से 26 दिसंबर के मध्य। परंतु परिवार में 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में हानि थोड़ी सी बिजली से, अग्नि से, चोरी से, अन्य कारणों से कुछ झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकती है। पूरा जो ये समय है आपको इसमें झगड़े मुकदमे टैक्स बैंकिंग इत्यादि मामलों में सावधानी से व्यवहार रखना होगा। ये जो 4 अक्टूबर से लेके और 26 दिसंबर का समय, उपाय क्या करें? उपाय में आप गुरु मंगल केतु के जो मंत्र इत्यादि हैं, साठ सती चल रही है तो मृत्युंजय का जाप करें, शनि के उपाय करें। गुरु मंगल और केतु के लिए, गुरु के लिए इनमें महामृत्युंजय जाप मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारोप बंदनान मृत्यु मुक्ष महामृतात्। देखिए 17 अक्टूबर से 25 तक नवरात्र चल रहे होंगे, तो इस समय में आप दुर्गा सप्तशती का जो द्वितीय चरित है उसका पाठ रोज कर सकते हैं, या आप जो दूसरे दिन की भगवती हैं जो है दूसरे नवरात्र की, उनका एक मंत्र है वो आप 26 दिसंबर तक कर सकते हैं। ये मंत्र मैं पढ़ देता हूँ, ये मंत्र है ब्रह्मचारिणी माता का, जो दूसरे नवरात्र की जो है के ऊपर, उसके ऊपर जो उनकी अधिष्ठात्री हैं उसकी ब्रह्मचारिणी है, ओम ब्रां ब्रीं ब्रू ब्रह्मचारिण्य नमः, ये मंत्र है। आप इसको देख भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा अथवा ओम एंगलिंग चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जाप करना। केतु हेतु आप जो है लहसुनिया और पन्ना तथा हीरा, तीनों रत्न आप नवरात्र में धारण कर सकते हैं। नवंबर 14 नवंबर से लेके और 14 दिसंबर को चंद्र ग्रहण है, तो सूर्य को अर्घ्य देना तथा गाय को रोटी देना और पक्षियों को बाजरा इत्यादि पूरे समय आप 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में दे सकते हैं। इसी में सरसों के तेल के दीपक शमशान में अथवा पीपल के वृक्ष के ऊपर आप डाल सकते हैं। यदि आपको दशाएं ठीक हैं, साठ सती इत्यादि नहीं है, तो लाभ को बढ़ाने के लिए आप नीलम पन्ना और डायमंड तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी लगन में, वृषभ लगन में आर्थिक क्षेत्र कैसा रहेगा। 4 दिसंबर से 7 नवंबर में धन निकलेगा, 27 नवंबर से 17 दिसंबर में शुभ धन लाभ के योग बनते हैं, टिकाऊ धन रहेगा। 4 अक्टूबर से दिसंबर में सट्टे शेयरबाजी शेयर जल्दबाजी से धन आकर निकल सकता है, हानि चोरी इत्यादि का समय, इसलिए सावधानी अत्यधिक आवश्यक रहेगी। धन के लिए आप क्या उपाय करें? पन्ना नीलम गोमय तीनों धारण कर सकते हैं यदि धन का अच्छा समय चल रहा है, परंतु धन हेतु विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, लक्ष्मी मंत्र को पाठ करना, गणेश और कुबेर की पूजा नवरात्र में करना, और जैसे मैंने बोला आपको दुर्गा सप्तशती के जो है द्वितीय चरित है उसका पाठ करना, यदि शत्रु अधिक हो रहे हैं तो बगलामुखी मंत्र का पाठ करना, या जैसे मैंने ब्रह्मचारिणी माता का बोला उसका पाठ करना शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।